जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री श्री राजेश मूढ़त जी, पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, धरसीवां के विधायक पद्मश्री अनु शर्मा जी, T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री सूर्य कुमार यादव जी, उनकी फ्लाइट थी, वो अपना उद्बोधन देकर चले गए हैं, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती लीना नंदन भारत सरकार वन विभाग की सचिव, उनकी भी फ्लाइट थी, वो भी अपना उद्बोधन देकर चली गई है, डीजी फॉरेस्ट भारत सरकार श्री जितेंद्र कुमार जी, हमारे प्रदेश के PCCF श्री श्रीनिवास राव जी, भारत सरकार वन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश सरकार वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभवगण, और इस खेलकूद प्रतियोगिता में वन विभाग के देश के सभी प्रदेशों से आए सम्मान्य खिलाड़ी बंधुगण और प्रेस के मित्रों, ये माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं भारत सरकार वन विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस आयोजन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना, हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर को चुना, और इस भव्य आयोजन के लिए हमारे प्रदेश के वन विभाग ने बड़ी मेहनत की है। मैं अपने प्रदेश के वन विभाग के हमारे मंत्री सहित उनकी पूरी टीम को भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार जी चले गए हैं, उनकी फ्लाइट थी, आप सब लोगों का उनका इंतजार था, पूरे देश में उनके काफी प्रशंसक हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया कि इस तरह का जो प्रतियोगिता है वन खेलकूद प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, तब सिर्फ 11 प्रकार के खेल होते थे और 650 खिलाड़ी पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे। प्रतियोगिता की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और इस साल लगभग 24 प्रकार की खेल स्पर्धा होगी, जिसमें 299 तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम यहां आई हुई है। इस दौरान न केवल हमें शानदार खेल का नजारा दिखेगा, अपितु यहां लघु भारत भी नजर आएगा। खिलाड़ियों के लिए भी यह मौका बहुत अच्छा होता है, वे एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं, यह समझने का मौका मिलता है कि भारत कितनी विविधता से भरा हुआ देश है और यह विविधता भारत को एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत बनाती है। आज देश भर से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेने आए हैं। वन विभाग की सेवा में दमखम बहुत जरूरी होता है, जंगल में कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है, इसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है। खेलों के माध्यम से न केवल आप लोग अपनी फिजिकली फिट, अपने को फिजिकली फिट रख पाते हैं, अभी तो आपका मनोरंजन भी होता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उससे खेलों के क्षेत्र में
देश का उज्जवल भविष्य साफ नजर आता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में खेलों की अधोसंरचना को बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बढ़िया काम हुए हैं। एक समय मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में देश ने हॉकी के